जय माता दी। साथियों कैसे हैं आप सब, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे और मैं भी माता रानी की कृपया से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक बहुत ही प्यारी जगह से ब्लॉग शूट करने वाला हूँ। आपको याद होगा जब मैंने ब्लॉगिंग की जर्नी शुरू की थी तो बस मेरा पहला ब्लॉग भी इसी जगह से, इसी लोकेशन से मैंने शूट किया था, और ठीक सामने त्रिकुटा पर्वत का व्यू जो है आप देख पा रहे हैं, जो आज का ताज़ा नज़ारा है। तो इसलिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। और आज मैं आ चुका हूँ नगर कटरा में, और इससे पहले जो मेरे ब्लॉग थे 2, 4, 5, 6 ब्लॉग तो मेरे गांव से ही मैं शूट करता रहा, गांव से ही आप लोगों से मैं ब्लॉग बना के डालता रहा। और गांव से भी आपने जो प्यार टिप्पणियों के रूप में लाइक शेयर करके दिया, उसके लिए तो मैं आप सभी का लिख के या बोल के धन्यवाद नहीं कर सकता हूँ। पर आज सुबह ही लगभग मैं जो 7:30 बजे अपने घर से गांव से निकला था, उसके बाद 9:30 के करीब करीब मैं रियासी पहुँचा था। वहाँ फिर 2-4 दोस्तों से मुलाकात करनी थी, दोस्तों से मुलाकात करने के बाद फिर अपनी बुआ जी के घर गया था। देन उसके बाद फिर जर्नी मेरी जो 1.5 घंटे की थी कटरा पहुँचने की, क्योंकि 10-12 दिन जो है, हार्डली कोई 10 दिन मैं अपने एक महीने में जो है 20 दिन यहीं रहता हूँ, 10 दिन अपने गांव, अपने घर व्यतीत करता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ समय। और आज फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, और कल से एक तो काम तो रहेगा ही रहेगा, सुबह लगभग 5-6 बजे से मेरी जो ड्यूटी है वो शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद 2-3 बजे मैं ज़रूर थोड़ा फ्री रहता हूँ, और देन फिर शाम को आप लोगों को मैं ब्लॉगिंग जो है ज़रूर अपनी जो वीडियोस हैं मेरी आती रहेंगी, लेकिन समय कुछ भी नहीं रहेगा कि कब आएंगी वीडियो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एक रेगुलर तो नहीं लेकिन तीसरे दिन ज़रूर मैं वीडियो जो है आप लोगों को एक डिजिटली प्लेटफॉर्म से ज़रूर जोड़ने का प्रयास करूँगा। और आप सब ने भी एक कोशिश, एक पहल करनी है, लाइक शेयर कमेंट, और सबसे बड़ी बात अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग मोटिवेशनल करोगे, तो डेफिनेटली लगातार जो वीडियोस हैं एक क्रिएटर के लिए, खासकर एक छोटे छोटे क्रिएटर जो हैं शुरुआती जो ब्लॉगिंग का काम करना चाहते हैं कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी योगदान रहता है अपने व्यूअर्स का जो टिप्पणियों के रूप में कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर भी ज़रूर सपोर्ट करिए, आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूट्यूब फैमिली का भी हिस्सा बनिए। और इंस्टाग्राम पर अगर आप कोई जानकारी, कोई ट्रैवल संबंधित, कोई मौसम यात्रा संबंधित कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी जानकारियाँ जो है पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की जो वीडियो है बस इतनी ही मुलाकात आप लोगों के साथ है, और कल फिर मैं कोशिश करूँगा, कल फिर मैं प्रयास करूँगा, पहल करूँगा आप लोगों से मिलने की। पर अगर कल नहीं मुलाकात हो पाई एक डिजिटली, तो फिर मैं कोशिश करूँगा अगले दिन जो है वीडियो बना के आप लोगों के सामने एक डिजिटली तरीके से, एक यूट्यूब ही एक साधन है और साथ साथ में फेसबुक, दोनों तरीकों से मैं कोशिश करता हूँ फेसबुक पे भी वीडियो डालने की, जो लोग फेसबुक चलाते हैं और जो लोग यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पे यूट्यूब यूज़र हैं, तो वहाँ पर भी वो मेरा प्रयास रहता है वीडियो डालने का। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, चलते चलते आप सबसे ले रहा हूँ अनुमति, लेकिन माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि माँ हम सबको, यानी हम सब बच्चों को हमेशा सुख शांति उन्नति वृद्धि समृद्धि के साथ पूरा जीवन जो है खुशियों से गतिमान रखना। धन्यवाद। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की। जय।